फिल्म हीरो से अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले जैकी श्रॉफ यानी कि जैकी दादा आजकल अपनी आने वाली फिल्म सोलकरी की शूटिंग में व्यस्त हैं। जी हाँ, सोलकरी एक कोंकणी भाषा की फिल्म है जो गोवा की बहुत पुरानी चर्च में फिल्माई जा रही है। इसमें जैकी दादा एक अलग ही लुक में नजर आएंगे, जिसमें उनके साथ में बैंडेड क्वीन फेम सीमा विश्वास नजर आएंगी। यह एक महिला ओरिएंटेड फिल्म है। जहां तक इस फिल्म में जैकी श्रॉफ की लुक के बारे में बात की जाए तो इसमें वो एक क्रिश्चियन लुक में नजर आएंगे, जहां उनकी लंबी लंबी दाढ़ी और लंबा लंबा कोट उन्होंने पहना हुआ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर वहीं के निवासी मिस्टर माइकल, जो कि एक होटल और टूरिज्म के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनकी ये एक पहली फिल्म है। माइकल का मानना है कि अगर ये फिल्म कोंकणी भाषा में सक्सेस हो जाती है तो इसका हिंदी वर्जन भी जल्दी ही तैयार किया जाएगा। इस फिल्म की शूटिंग गोवा के अलावा मुंबई में भी की जाएगी। I actually appreciate Jackie Dada's coming into this film as he was my first choice and he is doing a fantastic job. Sir, dekha jaye to Goa tourist ke places ke liye famous hai. To isme to sir isme ye usse places hamare samvaddata se baat karte hue Jackie Shah dada ne kuch apni khatti mithi aur purani yaadein taaza ki. Unhone apne bete टाइगर श्रॉफ के कैरियर के बारे में बताते हुए कहा कि वो उसको एक फुटबॉल प्लेयर बनाना चाहते थे, लेकिन उसका लक तो कुछ और ही था और वो फिल्मों में हीरो बन गया। जी हाँ, एक कोंकणी फिल्म है, सीमा विश्वास जी के साथ कर रहा हूँ और सोलकरी पिक्चर का नाम है। बस ज़्यादा तो क्या बताऊँ इस पिक्चर के बारे में, नवंबर में दिखाई जाएगी। किस तरह की भूमिका में आप देखेंगे इस मूवी में से? मैं एक म्यूजिशियन हूँ और बस एक म्यूजिशियन, एक थोड़ा सा अहंकारी, थोड़ा घमंडी इंस्पेक्टर। सर, देखा जाए तो ये मूवी पूरी तरह से यहाँ के कल्चर म्यूजिक के ऊपर डिपेंडेड है, तो किस तरह का कल्चर लगा अब तक का? बहुत खूबसूरत कल्चर है, प्यारा है। यहाँ के कला अकादमी वगैरह, ये सारे छोटे छोटे मंच हैं यहाँ, जहाँ पे खूबसूरत प्रोग्राम्स हुआ करते हैं। इफ़ी यहाँ होता है, बाकी के हर घरों में म्यूज़िक का एक बहुत ज़ोर है। बहुत सॉफ्ट और बहुत खूबसूरत लोग हैं, खुशहाली है, बस हैप्पीनेस, सुसगाद हैप्पीनेस। सर, देखा जाए तो गोवा में नॉर्मली लोग रिलैक्सेशन के लिए आते हैं, किस तरह का मौसम लगा यहाँ का आपको? बहुत अच्छा मौसम है दिन में, तो अब तो ऑब्वियसली मई है, हम साउथ, थोड़ा साउथ में है, मुंबई नहीं है, गर्म दिन में है, मगर शाम को तो बहुत खूबसूरत। आप बैठे हैं, आप देख रहे हैं, हम भी बैठे हैं, बहुत अच्छा मौसम है और बेहतरीन जगह है। हिंदुस्तान में गोवा एक शान है जो दुनिया लोग बोलते हैं, अलग अलग बीचेस पे जाने की बातें करते हैं, स्पेन वगैरह, बीजा और ये वो, और हमारा गोवा भी मुकाबले का है। सर, आपके बारे में एक बात कही जाती है कि दिल के हीरे हैं, कि जैकी दादा एक डाउन टू अर्थ है। अक्सर हमने देखा है आप ड्राइवर सीट छोड़ के ड्राइवर को नीचे उतर खुद गाड़ी ड्राइव करके जाते हैं, बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह। हाल ही में आज गोवा में हमने देखा, एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के बोले दादा आए थे यहाँ पर बाहर खाना खा के, बोले अपनी ज़िंदगी जीते हैं। ये लाइफ स्टाइल कहाँ से आपको ये सब चीज़ें इंटरेस्ट करती है, पब्लिक के बीच में बिल्कुल नॉर्मल ही रहते हैं? पैदाइश मैं हूँ ऐसे, मेरा जो जड़ है वो लोअर मिडिल क्लास है और वो मेरे हड्डी में घुसा हुआ है। मेरे दोस्त यारा सारे ड्राइवर थे, उनके बच्चे थे, मिल वर्कर थे, मेरा भाई मिल वर्कर था, तो मेरे बड़े सेठ के बच्चे भी मेरे दोस्त थे और मिल वर्कर भी मेरे दोस्त थे, तो मुझे इंसान इंसान ही लगा। वो क्या उसका लेबल है, वो क्या बिल्ला पहना है, वो मुझे बिल्ला तो कभी दिखाई नहीं, मुझे इंसान ही दिखा। सर, देखा जाए तो फिर फिल्म को छोड़ के देखा जाए तो फिर यहाँ तक कि छोटे दादा, उनकी अभी एक ट्रेलर लॉन्च हुआ, उनका दो उंगली पे पूरे खड़े हुए हैं,
अपनी स्टैंडिंग, उनके बारे में थोड़ा बताएंगे? उनके बारे में ये बताऊंगा कि एक डिसिप्लिन लड़का है, एक स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स से बहुत प्यार है, एक्सरसाइज, जिमनास्टिक्स, डांस, एक्टिंग, ये सारी चीज़ों में ज़्यादा फोकस है। अपनी माँ ने कहा है उससे कि एक्टर बनो तो माँ की इज्जत रख रहे हैं, माँ की बात को पर इल्म कर, मतलब इल्म करके उसे आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ हमेशा नया करने की सोच लेकर ही आता है वो। मैं एरिया 3 बत्ती में, मेरा नाम जग्गू, मेरी माँ मेरे को जग्गू बोलती, मेरे एरिया के लड़के लोग जग्गू दादा बोलते। काफी खौफ था आपका? हाँ, बहुत मार खाया हूँ दोस्तों के लिए, इसलिए दादा हूँ। हीरो की बात करें, कितना बड़ा एक्सपोजर मिला, कोई ऐसा वाक्य पुराना शेयर करना चाहेंगे दादा? आज हीरो की लुक लग रही है आपके, रुमाल सिर पे हो, बांसुरी हो। अच्छा, क्या कहना, क्या कहूँ हीरो के बारे में? कैसे एक तो वाक्य, एक मतलब फिल्म कैसी मिली आपको? सुभाष गई साहब हर इंटरव्यू में आपका जिक्र करते हैं, बड़े भाई की तरह है। मैं अपनी इज्जत आज भी उनकी करता हूँ, अपने दिल में बहुत जगह रखता हूँ उनके परिवार के लिए, उनके लिए, और वाइस वर्सा उनके दिल में भी उतना ही प्यार है। बस इज्जत करना मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरी शुरुआत कहाँ से, तो शुरुआत जहाँ से उसे कैसे भूल सकता हूँ, ना जड़ है, ना जड़ है। जी, क्या बताऊँ, मेरी जान है तो कोई प्रिपरेशन कुछ नहीं किया, जैसा जैसा कैरेक्टर दिखता है वैसा मैंने कोशिश किया बिहेव करने का। सर, अभी देखा जाए तो फिर बायोग्राफी पे मूवी बन रही है, धोनी, अजहर, सचिन के ऊपर भी अभी मूवी बन रही है, अजहर की तो मूवी अभी जस्ट रिलीजिंग डेट पे है, उनके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत अच्छी बात है कि बायोपिक्स की इज्जत हो रही है, हमारे लेजेंड्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनते थे, अब फिल्में बन रही हैं, बहुत बड़ी बात है, अच्छा लग रहा है। आपका फेवरेट कौन है, अजहर, सचिन की अगर बात करें, क्रिकेट का शौक रखते हैं जैकी दादा? क्रिकेट का शौक, हाँ, मैं मंसूर अली खान पतौड़ी साहब, सलीम दुर्रानी साहब, फारूक इंजीनियर साहब, इन सब का बहुत बड़ा फ़ैन रह चुका हूँ। जब भी हम कहते थे कि सिक्सर सिक्सर, तो सिक्स मारते ही थे आधे पिच पे आके, एक कॉलर ऊपर रखने की स्टाइल होता ही था उनकी, बातें कुछ एक स्टाइल। और गावस्कर साहब हमारे लिटिल मास्टर, सचिन साहब हमारे हिंदुस्तान के सारे शान, जो इतने बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स को फेस करते थे सिर्फ एक हेलमेट और गार्ड पहन के, और जो ग्लव और नी पहन के, पूरा ये तामझाम था ही नहीं, यानी ऐसा लगता है ये समझाना कि कुछ था नहीं। मॉडर्न एज में ग्रिफिथ, वेस्ली हॉल, ऐसे बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स को फेस करना, मानता हूँ इन बच्चों को, मानता हूँ इन बड़ों को भी, मानता हूँ उनकी इज्जत करता हूँ, उन बड़ों की और उन बच्चों की जिन्होंने इतने फास्ट बॉलरों को फेस किया है। अभी मॉडर्न एज में कौन है आपके फेवरेट? काहे में क्रिकेट में? यस सर, मॉडर्न एज में तो कैप्टन है हमारे, उनके ऊपर भी मूवी आ रही है। हाँ, अच्छी बात है, देखेंगे जाकर, मजे लेंगे। सर, देखा जाए तो अभी अगर आपको किसी का रोल दिया जाए बायोग्राफी के लिए, तो किस, तो किसका रोल करेंगे आप? सर, मैं कर नहीं पाऊंगा किसी का रोल, क्योंकि अभी मुझे अगर किसी का रोल दिया, देखो फारूक इंजीनियर साहब मेरे फेवरेट थे, फारूक इंजीनियर विकेट कीपर साहब, उनका रोल करना चाहूँगा, और अगर सैफ अली साहब करें तो मंसूर अली खान साहब का करना चाहिए। नहीं नहीं, तो बताया था ना, अपने उनका बताया था मैं, फारूक इंजीनियर साहब, सलीम दुर्रानी साहब, तो मैंने ऊपर कर लिया, उनको देख कर ही कुछ कुछ सीखा हूँ, पर कॉलर ऊपर करने से दिल तो नहीं, वैसे ही है, वहीं पर है अपनी जगह पे। मेरे लाइफ पे कोई असर नहीं डाला, मगर मैंने जो किंग अंकल पिक्चर की, वो उसका जो थॉट था कि एक गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट करना, वो एक थॉट अच्छा था, और वो मेरे सबसे फेवरेट पिक्चर है। थैंक यू।